हेलो गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है? यस मैम क्लियर है. क्लियर है, क्लियर. ओके. तो थर्ड ईयर क्या चल रहा था? कैप्सूल चल रहा था आपका. यूनिट थर्ड में जो कैप्सूल है वो चल रहा था. ठीक है, कैप्सूल को क्या कहेंगे हम? कैप्सूल क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म है इन विच द ड्रग सब्सटेंसेस अनक्लोज इन अ हार्ड और सॉफ्ट सॉल्यूबल शेल यूजुअली फॉर्म फ्रॉम जिलेटिन. तो क्या है कैप्सूल? क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसमें जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या जो मेन जो ड्रग्स होती है उसको हम किसके अंदर अनक्लोज करते हैं? शेल के अंदर. वो हार्ड शेल भी हो सकता है और सॉफ्ट शेल भी हो सकता है जो जिलेटिन का बना हुआ होता है. ठीक. देन था कैप्सूल जो हैं दो टाइप के हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल थे वो उनको हम दो पार्ट में सब डिवाइड कर रहे थे या दो पार्ट से मिलके बने थे, वो बॉडी एंड कैप. ठीक है. और जो इनकी आउटर कवरिंग होती है जो जिलेटिन से मिलके बनी होती है वो थोड़ी हार्ड होती है. देन था आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो क्या है उनका मेन, कि वो बॉडी और कैप में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं और जो उनकी कवरिंग होती है वो सॉफ्ट जिलेटिन की बनी हुई होती है. ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया था. देन था आपका शेप ऑफ कैप्सूल, सॉरी साइज ऑफ कैप्सूल. जो साइज थे कैप्सूल के वो कितने टाइप के थे? आठ टाइप के थे. कितने टाइप के थे? आठ टाइप के थे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये. ठीक. लार्जेस्ट साइज जो था कैप्सूल का कितना होता है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर. मैं आपसे ही पूछ रही हूँ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर. किसी को वॉइस नहीं आ रही है क्या? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर. हाँ जी थर्ड ईयर. ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो जो था इसका लार्जेस्ट साइज था कैप्सूल का. ठीक है. और जो फाइव नंबर होता है, फाइव नंबर जो साइज होता है कैप्सूल का वो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है कैप्सूल में. ठीक. ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे कि हम कितनी ड्रग हैं वॉल्यूम या अमाउंट में हम कितने उसको डाल रहे हैं उसमें. देन था आपका रॉ मटेरियल हम कौन से यूज़ कर रहे हैं कैप्सूल के प्रोडक्शन में. तो सबसे पहले था जिलेटिन. ठीक. जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन दो टाइप के होते हैं, टाइप ए जिलेटिन और टाइप बी जिलेटिन. ठीक. जो टाइप ए जिलेटिन था वो कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल बोन्स वगैरह जो होती हैं वहाँ से मिलता है. देन था टाइप बी जिलेटिन, वो कहाँ से मिलता है हमें? पॉर्क स्किन जो होती है वहाँ से जो हमें मिलता है जिलेटिन मिलता है वो. और क्या क्या यूज़ करते हैं हम कैप्सूल प्रोडक्शन में? वाटर यूज़ करते हैं. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं हम. कलरेंट्स या ऑपेसिफाइंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं. प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं. डाइल्यूएंट्स यूज़ कर रहे हैं. लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं. ग्लाइडेंट्स यूज़ कर रहे हैं. वेटिंग एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं और डिसइंटीग्रेंट्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक. ठीक है. ये थी टैबलेट प्रोडक्शन की बात, जो टैबलेट प्रोडक्शन में क्या क्या हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. ठीक. अब था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है. ठीक है. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है दो, इसके दो एंड, इसके क्या होते हैं, दो पीसेस में डिवाइडेड होती है ये बॉडी और कैप में. किसमें? बॉडी और कैप में ये डिवाइडेड होती है. ठीक है. तो अब इसमें जो प्रोडक्शन होती है हार्ड जिलेटिन शेल की, जो हार्ड जिलेटिन शेल है जो बॉडी और कैप में डिफरेंशिएट हो रहा है वो कैसे कैसे होती है? तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप हैं. जैसे पहला है डिपिंग. क्या है? डिपिंग. दूसरा है स्पाइनिंग. थर्ड है ड्राइंग. फोर्थ है स्ट्रिपिंग. क्या है? स्ट्रिपिंग. नेक्स्ट फिफ्थ है ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग और लास्ट है पॉलिशिंग. ठीक. तो पहला क्या है? डिपिंग. डिपिंग में क्या करते हैं? ठीक. वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है? थर्ड ईयर. तो ठीक है. अब प्रोडक्शन हो रही है हम हार्ड जिलेटिन जो शेल होता है कैप्सूल के वो कैसे बनाएंगे? तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से बनते हैं. जो पहला था डिपिंग, इसमें क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस पेयर्स ऑफ द स्टेनलेस स्टील पिन्स आर डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन टू फॉर्म द कैप. इसमें क्या करते हैं हम? पिन लेते हैं स्टेनलेस स्टील की. ठीक है. उसको क्या करते हैं हम? डिप कर देते हैं सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन में जब हम डिप करेंगे तो पिन के चारों ओर जो हमारे जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन क्या हो रहा है? हमारा पाउडर फॉर्म में है.
पाउडर फॉर्म से हम उसे क्या करेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन जब हमारा बन जाएगा तो स्टेनलेस स्टील पिन को हम उस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। डिप करके क्या होगा, वो बॉडी और कैप बना लेती हैं, ठीक है, क्या बना लेती है, बॉडी और कैप बना लेती है। नेक्स्ट प्रोसेस है इसका हमारा स्पाइनिंग। स्पाइनिंग स्पाइनिंग में क्या करेंगे, जब वो जो सॉल्यूशन है वो स्टेनलेस पिन के चारों ओर जब वो चिपक चुका है तो हम क्या करेंगे, उसको स्पिन करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करके क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा, बॉडी और कैप के एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एक्चुअल क्या उसमें आ जाएगा, थोड़ा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को जब हम थोड़ा रोटेट करते हैं वो थोड़ा स्पेस भी लेगी, ठीक है। देखा होगा आपने बॉडी, जो कैप्सूल की बॉडी होती है उसमें थोड़ा तो बहुत स्पेस होता है, ठीक, वो स्पेस ले लेगी रोटेट करके, उसे हम स्पिन करके वो अपना स्पेस ले लेती है। फिर क्या करते हैं हम, उसकी जब वो बन जाती है बॉडी और कैप, तो क्या करते हैं उसकी ड्राइंग करते हैं, क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग किस लिए करते हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत वाटर बच चुका है, जो हमने स्पिन करके जो एक्चुअल फॉर्म आई है बॉडी और कैप की, वो वाटर जो है उससे रिमूव हो जाए, क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है इसमें, पहला था डिपिंग। डिपिंग को हम, डिपिंग में क्या करते हैं, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में स्टेनलेस स्टील को डिप कर रहे हैं, ठीक। दूसरा था स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं उनको, जो स्टील्स की जो पिन होती हैं, जिससे कि वो एक एक्चुअल फॉर्म ले ले हमारे किसकी, बॉडी एंड कैप की। थर्ड था हमारा ड्राइंग। ड्राइंग हम इसलिए करते हैं, जो थोड़ा बहुत वाटर बच चुका है हमारी, जो एक्चुअल फॉर्म आई है हमारी बॉडी और कैप की, ठीक है, कि वो उससे रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या कर रहे हैं, सीरीज ऑफ ब्रॉन्ज जॉ स्ट्रिप्स द कैप एंड बॉडी पोर्शन ऑफ द कैप्सूल फ्रॉम द पिन्स। क्या होती है, एक ब्रॉन्ज जॉज होती है, ठीक है, वो स्ट्रिप कर देती है बॉडी और कैप्सूल को, क्या कर देती है, ड्राई करके जो हमने, जो हमारे पास एक्चुअल फॉर्म आई है वो उसको अलग कर देती है, बॉडी अलग हो जाती है और कैप अलग हो जाती है, ठीक है। देन क्या करेंगे हम, उसकी ट्रिमिंग करेंगे। क्या करते हैं, ट्रिमिंग मतलब उसकी थोड़ी शेप में लेके आएंगे उसको, बॉडी एंड कैप को क्या लेके आएंगे, शेप में लेके आएंगे, ठीक है। अब शेप में जब आ जाती है वो, ठीक, जो बॉडी उसकी, जो द कैप एंड बॉडी लेंथ आर ट्रिम्ड टू प्लस माइनस 0.5 mm टॉलरेंस, इतनी प्लस माइनस 0.5 mm की टॉलरेंस हो जाती है उनकी, वो किससे होती है, ट्रिमिंग के थ्रू होती है, ठीक है, थोड़ा उसकी शेप वगैरह बन जाएगी। नेक्स्ट है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग हम किससे करते हैं, एसिलाकोटा पैन होता है हमारा, ठीक है, उसकी हेल्प से हम पॉलिश करते हैं। और फिर क्या आता है, डस्ट, क्लोथ डस्टिंग। अब उस पैन से क्या हो गया, उनकी हमने पॉलिशिंग कर दी है, पॉलिशिंग के बाद जो क्लोथ होता है हमारा, उससे हम थोड़ा उसकी डस्टिंग अगर उस पर लग चुकी है पॉलिशिंग के दौरान, तो वो उसको हम रिमूव कर देते हैं। और पॉलिश से ही जो आती है, जो उसकी एक स्मूथ अपीयरेंस आती है बॉडी और कैप की, आपने देखा होगा बाहर से तो ये बहुत स्मूथ टाइप की होती हैं जो कैप्सूल होती हैं, ठीक है, वो पॉलिशिंग के थ्रू ही होती है, ठीक है। थर्ड ईयर यस मैम। तो ये क्या बना आपकी, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल बना है, क्या बना है, शेल बना है ये, जिसके अंदर जो हमारी ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो उनको हम भरेंगे तब वो क्या कहलाएगा, ये कैप्सूल कहलाएगा। अभी ये खाली शेल, कि हम कैसे बनाते हैं हार्ड जिलेटिन सेल का, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, जैसे पहला था डिपिंग था, ठीक है, नेक्स्ट था स्पाइनिंग, फिर ड्राइंग, फिर स्ट्रिपिंग, देन ट्रिमिंग एंड पॉलिशिंग। अब आती है, ये हमारा शेल बन चुका है, अब शेल के अंदर जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं या जो ड्रग है वो हम कैसे भरते हैं, क्या करते हैं हम, वो हम कैसे उसमें फिल कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमारा कैप्सूल के बारे में पता चल गया, हमें कैप्सूल के टाइप पता चल गए, और कैप्सूल में कौन कौन से रॉ मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हैं, हमें ये पता चल चुका है। और हमने क्या किया, कैप्सूल सेल भी बना लिया है, किससे बनता है, ये जिलेटिन से मिलके बना होता है, ठीक है। अब क्या है, शेल बन गया हमारा, तो अब शेल की हम फिलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलिंग कैसे होती है, ये फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है आपकी, थ्री टाइप से होती है ये। फर्स्ट है हैंड ऑपरेटेड मेथड। क्या है, हैंड ऑपरेटेड मेथड, ठीक है, इसमें 200 से लेके 250 जो कैप्सूल्स होती हैं उनको हम फिल कर देते हैं। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल डिवाइसेस। क्या है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसके थ्रू हम कैप्सूल की फिलिंग करते हैं। थर्ड है ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। क्या है, ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, ठीक।
तो पहली जो है हैंड ऑपरेटेड मेथड। तो जो हमारा हैंड ऑपरेटेड मेथड है थर्ड ईयर, वो किस लिए करते हैं हम? स्मॉल स्केल पर्पज के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? स्मॉल स्केल पर्पज़ के लिए। मतलब अगर हमें 200 और 250 कैप्सूल की फिलिंग करनी है तो हम हैंड ऑपरेटेड मशीन जो होती है उसको यूज़ करते हैं कैप्सूल फिलिंग के लिए। ठीक है। थर्ड ईयर महर्षि yes, सुन रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? हैंड ऑपरेटेड मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें हम कैप्सूल को फिल करना होता है हमें। अब क्या होता है ये, क्या इस टाइप का बेड होता है, ठीक है, ये स्लोप वाइज बेड होता है। जैसे आपकी यहाँ पे जब आप लैब में प्रैक्टिकल वगैरह करते हो तो डेस्क वगैरह होती हैं, या जहाँ पे ये स्लैब वगैरह बने हुए हैं, इस टाइप का एक स्लैब होता है। उसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं पहले से ही, और जो उसकी आउटर जो इसको ओपन करते हैं, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो उधर से भी उसकी वो कैप होगी। क्या होगी? कैप होगी। वो इस टाइप से वो एनक्लोज हो जाएगा, तो उसमें जो हमारी नीचे होल्स हैं उनमें हमें ड्रग पार्टिकल्स या जो पाउडर फॉर्म होती है ड्रग की, कभी कभी आपने देखा होगा कैप्सूल में ग्रेन्यूल्स भी फिल हुए होते हैं या पाउडर भी फुल हुए होते हैं, देखा होगा। ये तो ग्रेन्यूल छोटे छोटे होते हैं, जैसे ओमिप्राजोल के केस में आते हैं, ठीक, और पाउडर भी फॉर्म होते हैं इसमें। तो क्या करते हैं हम, जो बेड होता है बेड पर हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर ड्रग है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और ऊपर से जो पंचिंग टाइप की मशीन होती है उसको हम प्रेस कर देते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा पाउडर है वो हमारे शेल में फिट हो जाता है। क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। एक बार किसकी हेल्प से होता है ये? हैंड ऑपरेटेड मशीन की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है? हैंड ऑपरेटेड मशीन की हेल्प से होता है। अगर हैंड ऑपरेटेड फिलिंग मशीन को बताएं तो क्या है इसमें, फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। बेड्स हैविंग 200 to 300 होल्स। कितने होल्स होते हैं इसमें? जो इसका बेड होता है स्लोप वाइज, कितने बेड्स हैं? 200 to 300 होल्स हैं, ठीक है। और एक क्या है? लोडिंग ट्रे, लोड करने वाली ट्रे है जिसमें 200 to 300 तक के होल्स होते हैं, ठीक। देन क्या है? एक पाउडर ट्रे होती है जिसमें हम पाउडर ड्रग डालते हैं ड्रग का। एक पिन प्लेट होती है जिसमें भी 200 से लेके 300 तक की पिन्स होती हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है, हैंड ऑपरेटेड मशीन की कैपेसिटी है ये 200 से लेके 300 या 250 तक की जो कैप्सूल्स होती हैं उसको फिल करता है ये, ठीक। सीलिंग प्लेट होती है इसमें, और एक कैम हैंडल होता है, कैल हैंडल जिससे हम प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? द एम्प्टी कैप्सूल्स आर फिल्ड इन द लोडिंग ट्रे। जो लोडिंग ट्रे है हमारी उसमें हम एम्प्टी कैप्सूल्स को फिल कर देते हैं। एंड इट इज़ प्लेस्ड ओवर द बेड। और किस पे रख देते हैं हम? सिर्फ जो बेड होता है उस पे उसे हमको रख देंगे, ठीक है। द कैम हैंडल इज ऑपरेटेड टू सेपरेट द कैप्सूल्स फ्रॉम देयर बॉडीज। जो कैम हैंडल है हमारा, जो हमने कैप्सूल्स रखी हैं, वो किस लिए यूज होता है? सेपरेट करने के लिए कैप को बॉडी से, ठीक है। जैसे ये आपकी कैप है, ठीक, ये सेपरेट हो जाएगी किसके थ्रू? कैम हैंडल के थ्रू सेपरेट हो जाती है ये बॉडी से। द पाउडर ट्रे इज प्लेस्ड इन द प्रॉपर पोजिशन एंड फिल्ड विद एन एक्यूरेट क्वान्टिटी ऑफ पाउडर विद स्क्रैपर। अब क्या है, जो बॉडी है वो कैप से अलग हो चुकी है, तो हम उसमें क्या करेंगे? पाउडर जो है, पाउडर हम पाउडर ट्रे की हेल्प से उस पर डाल देंगे वो, ठीक है, एक्यूरेट क्वान्टिटी में स्क्रैपर की हेल्प से। द एक्सेस ऑफ द पाउडर इज कलेक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पाउडर ट्रे। और जो एक्सेस में जो पाउडर बच जाता है उसको हम कलेक्ट करके अलग से रख देते हैं, ठीक है। द पिन प्लेट इज लोअर्ड एंड द फिल्ड पाउडर इज प्रेस्ड बाय मूविंग द पिन डाउनवर्ड्स। अब क्या करते हैं हम, पिन को हम डाउनवर्ड की तरफ से उसको मूव कर देते हैं, जिससे जो हमारा पाउडर है वो उसमें बॉडी में फिल हो जाए। और फिल हो जाने के बाद क्या हो जाता है, जो हमारी बॉडीज है पिन प्लेट के थ्रू उसको भी हम मूव कर देते हैं, वो कैप के ऊपर आके लग जाती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी है पहले से ही वो कैप उनके ऊपर आके लग जाती है, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? फिलिंग हो गई किसकी? कैप्सूल की बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन, ठीक है। क्लियर है थर्ड ईयर?
थर्ड ईयर क्लियर है, जब प्रैक्टिकल करोगे या यहाँ जब आपकी ट्रेनिंग होगी तब आप देख पाओगे इसको, कि अभी तो आप ये थ्योरी थ्योरी में समझ रहे हो, थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और कैप्सूल फिलिंग जो मशीन्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे एली लिली की होती है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सी कैप्सूल फिलिंग मशीन यूज़ करते हैं आप, एली लिली है, फार्माट्रेक की है, हॉलफाइजर की है, जनासे की है, पार्का डेविस की है, ओसाका की होती है, ठीक है। ये कॉमन जो कैप्सूल फिलिंग मशीन्स के नाम हैं, पूछ भी सकते हैं व्हाट आर द कैप्सूल फिलिंग मशीन, जैसे आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल में पूछते हैं कैप्सूल फिलिंग के नाम बताओ, या डीटी जो है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, किसने बनाई है वो, डीटी अपैरेटस है, डिसॉल्यूशन कौन सी कंपनी ने बनाया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब है जो लार्जेस्ट मशीन्स हैं सप्लाइड, जो कौन करता है हैंड ऑपरेटेड मशीन, वो किससे होती हैं, लिली से और पार्के डेविस से होती हैं। एली लिली की कंपनी की जो होती है ना कैप्सूल फिलिंग मशीन, वो मोस्टली सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें यूज़ होती हैं, ठीक है। थर्ड ईयर अब है आपकी सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, ये थी। इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी है, जो कैप्सूल फिलिंग हो रही है थ्री टाइप से हो रही है, एक तो हैंड ऑपरेटेड हो रही है, एक सेमी ऑटोमेटिक हो रही है, और एक ऑटोमेटिक हो रही है। तो अब दूसरी है सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, इसमें क्या होते हैं थ्री स्टेशंस होते हैं, जैसे ओरिएंटेशन ऑफ कैप्सूल, सेकंड है पाउडर फिलिंग, और थर्ड है कैप्सूल क्लोजिंग। अब इसमें क्या है ओरिएंटेशन ऑफ कैप्सूल, ठीक है, इसमें क्या करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ कैप्सूल, मतलब जो कैप्सूल्स हैं कैप्सूल को हम उस स्टेशन पे लगा देंगे या मशीन में लगा देते हैं हम। अब मशीन में लगाने के बाद जैसे आपने हैंड ऑपरेटेड मशीन में किया था, तो क्या करते हैं इसमें कैप्सूल की फीडिंग करते हैं, ठीक है, फीडिंग करेंगे, फिर अल्जाइनिंग करेंगे, देन इंसर्शन इनटू बोर्ड्स ऑफ होल्डिंग रिंग करेंगे, देन वैक्यूम इज यूज फॉर सेपरेटिंग कैप्सूल कैप एंड बॉडी इन द फर्स्ट स्टेशन। After orientation of capsule, capsule cap can stay in the upper holding ring and capsule body can stay in the lower holding ring. इसमें क्या है जैसे आपकी हैंड ऑपरेटेड मशीन में थी, आपने ट्रे में कैप्सूल्स लगा दिए हैं, ठीक है, फिर जो हैंडल होता था हैंडल की हेल्प से जो हमारी कैप्सूल है बॉडी और कैप में अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाती थी, तो इसमें भी ऐसे ही है वैक्यूम की हेल्प से, क्या है इसमें वैक्यूम की हेल्प से हम जो हमारी जो कैप्सूल है वो बॉडी और कैप में डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और हैंड ऑपरेटेड के केस में क्या था, थर्ड ईयर हैंड ऑपरेटेड के केस में क्या था, जो कैम हैंडल था, कैम हैंडल की हेल्प से जो हमारा कैप्सूल था बॉडी और कैप में डिफरेंशिएट हो रहा था। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो हमारा कैप्सूल फिलिंग मशीन है, इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस ओरिएंटेशन ऑफ कैप्सूल, इसमें हम क्या करते हैं वैक्यूम की हेल्प से कैप्सूल को बॉडी और कैप में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, जो हमारी कैप्सूल जो बॉडी है वो लोअर पार्ट में एडजस्ट हो जाएगी और जो हमारा कैप है वो अपर पार्ट में एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। देन है पाउडर फिलिंग, पाउडर फिलिंग इसमें भी क्या करते हैं, हमारा बॉडी और कैप अलग अलग हो चुकी है तो उसमें पाउडर को हम फिल कर देते हैं, ठीक है, लोअर बॉडी में, और ऊपर से क्या कर देते हैं जो हॉपर है हमारा या होल्डिंग रिंग है उसमें क्या करते हैं हम उसके थ्रू भी हम पाउडर को फिल जो बॉडी है हमारी उसमें फिल कर देते हैं, या मेनली वैसे हॉपर की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। हॉपर लिया हमने, हॉपर की हेल्प से बॉडीज में जो टैबलेट का पाउडर था वो इंसर्ट करा दिया, ठीक है, क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। फिर क्या करते हैं अपर पार्ट को हम पुश कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं पुश कर देते हैं, जिससे जो एक एक बॉडी है उसका एक जो पर्टिकुलर कैप है वो उनके ऊपर लग जाए और कैप्सूल की फिलिंग हो जाए, क्या हो जाए, फिलिंग हो जाए, ठीक है, ठीक है। थर्ड ईयर ये थी कैप्सूल फिलिंग मशीन। अब थर्ड है ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन फिलिंग मशीन में भी क्या होगा, जो ये मोस्टली यूज़ करते हैं ओसाका की, कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं हम, ओसाका की हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है
हम कितने मतलब 1000 क्वांटिटीज़ में, क्या है 1000 की क्वांटिटीज़ में जो हम कैप्सूल है उसकी फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं कैप्सूल की फिलिंग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये इस टाइप से डिज़ाइन होती है कि जो हम कैप्सूल उसमें डालेंगे मशीन में, वो बॉडी और पार्ट्स में सब डिवाइडेड हो जाते हैं। देन सब डिवाइडेड होने के बाद क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली वो बॉडी में जो हमारा पाउडर है या जो ग्रेन्यूल्स हैं वो फिट हो जाएंगे, ठीक, और वो ऊपर से उसकी कवरिंग आ जाएगी, देन कैप्सूल की फिलिंग इसमें हो जाती है, ठीक है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। और इसमें क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कैप्सूल होते हैं, ठीक है, 8 साइज़ हैं जैसे हमें पता है, 000, 001, 2, 3, 4, 5 सब साइज़ के जो कैप्सूल होते हैं उसकी हम इसमें फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेनली कौन सी कंपनी की यूज़ हो रही है, ये ओसाका की यूज़ हो रही है, हाईएस्ट कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, सुन रहे हो? जी जी मैम। कौन कौन सी मशीन्स बताई हैं मैंने कैप्सूल फिलिंग के लिए? थर्ड ईयर देवांशु, कौन कौन सी मशीन बताई हैं, कौन कौन सी मशीन बताई हैं? आवाज़ नहीं आ रही क्या? बताओ। इब्तिशाम, कौन कौन सी मशीन बताई है मैंने, कौन कौन सी मशीन बताई है? मैं तो नोट्स भी आज पहले ही सेंड कर दिए थे कि एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन तुम इतने नालायक हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। कौन कौन सी मशीन बताई है मैंने थर्ड ईयर, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में? मैम, हैंड ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक, ठीक है। सबसे अच्छी कौन सी रहेगी फिर इनमें, हैंड ऑपरेटेड रहेगी, सेमी रहेगी या ऑटोमेटिक रहेगी? मैम ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, लार्जेस्ट क्वांटिटीज़ में हम क्या कर सकते हैं, कैप्सूल की फिलिंग कर सकते हैं लार्जेस्ट क्वांटिटीज़ में। सेमी ऑटोमेटिक में भी हमें थोड़ी बहुत हेल्प करनी हो सकती है, और हैंड ऑपरेटेड में तो हम अपने हैंड से ही ऑपरेट करेंगे। अगर क्या होता है, ये जो आपका कैप्सूल का जो शेल होता है, इसका प्रोडक्शन ना हर कोई कंपनी नहीं करती, ठीक है। अगर हमारी स्मॉल स्केल पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो हम क्या करेंगे, कैप्सूल सेल को बाहर से ख़रीदते हैं, ठीक है, बाहर से ख़रीद लेंगे हम, फिर क्या करते हैं, इसकी हैंड ऑपरेटेड मशीन या सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं हम, ठीक, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, इसमें फिलिंग कर लेते हैं। या कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ कैप्सूल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हम जो हमारी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन है ये यूज़ करते हैं। अगर स्मॉल स्केल पे करना होता है तो हमें हैंड ऑपरेटेड, आपने देखी भी होंगी जया, जब हम लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे कंपनी में, तो हैंड ऑपरेट यूनिक्योर में वो कर रहे थे, वो हैंड से ही कर रहे थे, ठीक है जी मैम। तो तब बाबा जब अगर लार्ज क्वांटिटी में हमें अगर हम कैप्सूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब हमें यूज़ करनी होती है ये ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, ठीक है। अब फिलिंग हो गई हमारी, अब फिलिंग के बाद क्या हो गया, फिलिंग तो हमने कर दी है, हमें पता है कि ड्रग प्रोडक्ट जो है हमारा वो चला गया है कैप्सूल में, ठीक। थ्री मेथड इसमें हमने यूज़ करे थे, हैंड ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन। अब इसके बाद क्या होगा, फिलिंग तो हो गई, फिलिंग के बाद क्या होगा, इसकी सीलिंग भी तो करते हैं हम, कि जिससे जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है, ठीक, वो बाहर ना निकले, और जो क्या है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी जो हमारी है उस पर जो कैप है वो यूनिफॉर्मली मतलब चिपक जाए, सील हो जाए पूरी तरह, ठीक है। जब हम ज़्यादा कोशिश करेंगे तभी हम उसको ओपन कर सकते हैं, वरना वो वैसे ओपन ना हो, वो पैकेजिंग में आगे हमने उसको पैक कर दिया एलुमिनियम पैकेजिंग फॉइल में, और वो क्या हुआ है, वो निकल रही है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर सीलिंग होनी चाहिए, मतलब अटैचमेंट होना चाहिए बॉडी एंड कैप का, ठीक है, तभी हमारी ड्रग जो है वो लॉन्ग टाइम तक उसमें बॉडी और कैप में एग्जिस्ट करेगी और डिटोरिएट नहीं होगी, क्या होगी, डिटोरिएट नहीं होगी, ठीक है।
तो कैप्सूल फिर क्या करते हैं, हम इसकी सीलिंग करते हैं। सीलिंग जो होती है हमारी हीट वेल्डिंग प्रोसेस से भी होती है और लिक्विड वेटिंग एजेंट से भी होती है। किससे होती है? हीट वेल्डिंग प्रोसेस से। हीट वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होगा, हम थोड़ी सी हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे वो जो बॉडी और कैप है वो एक दूसरे से चिपक जाए, क्या हो जाए, सील हो जाए पूरी तरह। और लिक्विड वेटिंग एजेंट्स में क्या होगा, वेटिंग एजेंट्स का क्या होगा, क्या होगा, लो टेम्परेचर पे एक हम सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्यूशन से हम क्या करें, उनके वेटिंग एजेंट्स की हेल्प से हम जो हमारी कैप्सूल है उनको वेट करेंगे। वेटिंग एजेंट में क्या होगा, एडिसन प्रॉपर्टी होगी। एडिसन प्रॉपर्टी की हेल्प से जो हमारी बॉडी और कैप है वो एक दूसरे से अटैच रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, अटैच रहेगी। और ये किससे हो गया, वैक्यूम की हेल्प से होता है। किससे होता है, ये वैक्यूम की हेल्प से होता है, ठीक है। ये हो जाती है कैप्सूल सीलिंग। कैप्सूल हो गया आपका, ठीक है, कैप्सूल के टाइप्स पता चल गए आपको, देन कैप्सूल के साइज पता चल गए, देन आपने क्या किया, जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हैं हम कैप्सूल में, वो पता चल गया आपको, ठीक। देन आपको फिलिंग पता चल गई कि फिलिंग जो है हो रही है हमारी थ्री टाइप से हो रही है, हैंड ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो है अभी आपका, ऑटोमेटिक में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जैसे रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन के बाद है सेपरेटिंग द कैप फ्रॉम द एम्प्टी कैप्सूल, फिलिंग द बॉडीज, स्क्रैपिंग द एक्सेस पाउडर, रिप्लेसिंग द कैप, सीलिंग ऑफ द कैप्सूल, क्लीनिंग द आउटसाइड ऑफ द फिल्ड कैप्सूल, ठीक है, ये आपके प्रोसेस हैं। किसके ये हैं आपके प्रोसेस, के सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कैसे कैसे हम कैप्सूल फिलिंग करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा, जो हमारी जो बॉडी और कैप है, ठीक है, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, मैं जनरली बता रही हूँ, कलेक्ट करके हम उनको जहाँ उनका स्पेस होती है ऑटोमेटिक मशीन में वहाँ पर हम उनको डाल देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डाल दिया हमने बॉडी और कैप एक साथ ही डाली है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है सेपरेटिंग द कैप फ्रॉम द एम्प्टी कैप्सूल्स। अब क्या करते हैं, जो कैप है हमारी एम्प्टी कैप्सूल में से हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट हमने कर दिया, बॉडी अलग हो चुकी है, कैप अलग हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, उसकी हम फिलिंग करेंगे बॉडीज़ की। किसकी फिलिंग करेंगे हम, बॉडीज़ की। जो बॉडी होती है जैसे आपका पेन होता है, ठीक है, बॉडी क्या है, जो इसका एरिया है ये थोड़ा लॉन्ग होता है और कैप का जो छोटा होता है, इसी टाइप से आपके कैप्सूल के साइज़ में भी होता है, ठीक है। बॉडी को हमने फिल कर दिया पाउडर से, फिर क्या कर दिया, स्क्रैपिंग द एक्सेस पाउडर। क्या हो जाता है कभी कभार, एक्सेस पाउडर जो है वो कैप की बॉडी से अटैच हो जाता है, ठीक है, अटैच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, उसको थोड़ा हटा देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया हमने। फिर रिप्लेसिंग द कैप्स, अब क्या कर दिया हमने, कैप को जो हमारी पहले वाली जगह थी उसी पे हमने लगा दिया है, लगा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उससे वो प्रॉपर जो कैप है वो बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, जिससे एक पूरा जो फिल है कैप्सूल फिल हो जाएगा, ठीक। देन हम अब इसकी सीलिंग करेंगे। सील किससे करते हैं हम, एक तो वेल्डेड मेथड होता है और एक वेटिंग एजेंट की हेल्प से इनको हम सील करते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ में जो होता है कैप्सूल फिलिंग मशीन्स में, हम वेटिंग एजेंट की हेल्प से क्या करते हैं, सील करते हैं कैप्सूल्स को, ठीक है। देन क्लीनिंग द आउटसाइड ऑफ द फिल्ड कैप्सूल, जो बाहर से जो हमारी डस्ट वगैरह या जो पाउडर चिपक रखा है हमारी कैप्सूल पे, आपने देखा होगा कैप्सूल जो है अब शेल बना हुआ है जिलेटिन का, तो जो पाउडर जो है, जो जिलेटिन का शेल बना हुआ है उसके आसपास भी चिपक जाता है, तो उसको हम ड्राई करते हैं, एसिला कोटा मशीन होती है हमारी, क्या होती है, एसिला कोटा मशीन होती है, उसकी हेल्प से हम उसको ड्राई करते हैं या क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीन जब हो गई है हमारी, अब क्या होगा, हम उसको पैकेजिंग के लिए आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आगे हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, थर्ड ईयर कोई डाउट, थर्ड ईयर कोई डाउट है आपको इसमें, थर्ड ईयर आप ही से पूछ रही हो, हाँ जी बोलो जया, ये
बोलो। अभी जो आपने बताया वो ऑटोमेटिक का है? हाँ जी, ये ऑटोमेटिक का है। इसमें दो अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे इसमें बताया मैंने लास्ट पेज पे, यही रेक्टिफिकेशन है, देन सेपरेटिंग द कैप फ्रॉम एम्प्टी कैप्सूल, देन फिलिंग द बॉडीज, स्क्रैपिंग द एक्सेस पाउडर, रिप्लेसिंग द कैप, सीलिंग ऑफ द कैप्सूल, क्लीनिंग द आउटसाइड ऑफ द फिल्ड कैप्सूल, ये सब है ऑटोमेटिक का ही है ये। ठीक है बच्चे? ठीक है मैम। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस लगवाओ पहले अपनी।